लेकिन चलिए बाजार में मैंने कहा था एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा। अब हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के समीत चव्हाण जुड़ रहे हैं। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था, किस हद तक आपको सरप्राइज करा इस मोमेंटम ने, और आज के लिए सर कॉल क्या होगा, रणनीति क्या होगी निफ्टी में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हम उतना सरप्राइज नहीं हुआ है क्योंकि हम लास्ट एक डेढ़ वीक से हम ये हमारा व्यू मेंटेन कर रहे हैं कि 8,000 के ऊपर जाने वाले, क्योंकि जितना मार्केट कंसर्ट होगा उसके बाद जो मूव आती है वो काफी फास्टर रहती है। और अगर देखें हम पूरे सीरीज में हम 200-250 पॉइंट की रेंज मेंटेन कर रहे थे और दो दिन में ही निफ्टी ने 300 पॉइंट का एक अच्छा खासा उछाल दिया हुआ है। मच अवेटेड ब्रेकआउट था जो 8,000 का एक मेजर हर्डल बन गया था, वो एक कन्विंसिंगली कल ब्रेक हुआ है। तो अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो बाय ऑन डिक्लाइंस की हम मेंटेन करेंगे। ये 300 पॉइंट की मूवमेंट आई है, 8,110 का एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हमारे लिए बाय ऑन डिप्स की हम जो स्ट्रैटेजी है वो मेंटेन रखेंगे। 8,040 के आसपास बाय करेंगे। जो 8,000 का मेजर हर्डल था वो अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा, तो 7,990 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा हमारा 8,110 का। ओके, इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट टोन दोनों एक्सपर्ट्स की सेम है। प्रदीप कह रहे थे सेल ऑन राइज होगा क्योंकि अच्छा मोमेंटम आया है तो प्रॉफिट बुकिंग शायद आना लाजमी है। 8,000 के लेवल रिटेस्ट होते हुए नजर आएंगे, तो उनकी रणनीति थी कि टारगेट्स होंगे 7,990 के। समीत मानते हैं, ये भी मान रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, दबाव आएगा, लेकिन उनका मानना है बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है, तो आप 7,990 के फिर स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने के मौके, निचले स्तरों पर खरीदारी करने के मौके, ये रणनीति आज के लिए आपकी होनी चाहिए। दोनों एक्सपर्ट्स के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन समीत, कोई स्टॉक सर आप आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपने आइडेंटिफाई करें? जी हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स के काफी चार स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो विल गो विद दी मार्केट फ्लो। पहला बाय होगा फेडरल बैंक पे, ब्रेकआउट दिया है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस से, तो 50.5 के स्टॉप लॉस से उसमें बाइंग की सलाह होगी, 56.50 का टारगेट होगा। सेकंड सीमेंट्स होगा जो हमने कल भी रेकमेंड किया हुआ था अराउंड 1155 के आसपास, तो ये कंटिन्यूड बाय कॉल है फॉर टारगेट ऑफ 1250 और अभी स्टॉप लॉस इसमें 1145 का होना चाहिए। ओके, तो निफ्टी किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके, यानी कि बाय ऑन डिक्लाइंस करके चले, और साथ साथ फेडरल बैंक और सीमेंस, ये दो स्टॉक समीत ने चुने हैं खरीदारी करने के लिए। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। समीत, आपका धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए, और आप मेरे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के साथ।